Hello friends, this is Amar Jha and you are watching Skill Yatra. और आज हम बात करेंगे 5 steps to build self-confidence. एक सवाल जो आप जैसे दर्शकों से आया है हमारे पास कि सर, जब भी मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो जाता हूँ, परंतु जब एक्चुअल में कोई बड़ा काम करने का समय आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. सो हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग बिग, यह बहुत ही कॉमन सवाल है. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता था और अभी भी होता है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु आप किसी परिस्थिति में और किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हो, उसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अगर आप पूरी तरह से तैयार हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर नहीं तो नर्वस फील करोगे. आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताता हूं जिसका बार बार प्रैक्टिस करने से किसी भी बड़े काम को करने में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा. पहला स्टेप है एफर्मेशंस. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव्स और निगेटिव, यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों का बैलेंस है. आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और निगेटिव थॉट्स दोनों ही चलते रहते हैं. आप पॉजिटिव थॉट्स जब ज्यादा मात्रा में होते हैं तो आप हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, परंतु जब निगेटिव थॉट्स हावी रहते हैं तो आप सैड एंड कमजोर फील करते हो. तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाना है और निगेटिव थॉट्स को कम करना है. पॉजिटिव्स को बढ़ाने के लिए एक चीज जो मदद करती है वो है एफर्मेशंस. यानी अगर आपने यह सोचा है कि इस काम को करना है तो आपको अपने मन और वचन से भी सपोर्ट करना है कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई हैव डन इट बिफोर, आई कैन डू इट. आपने जो भी पिछला काम सफलतापूर्वक किया था उसे पूरा कैसे किया, आपका कौन सा कैरेक्टर या गुण आपके काम आया था, उसी प्रकार आपको पिछली बार जब कोई परेशानी हुई थी या समस्या आई थी तो आपने कैसे सॉल्व किया था, इसको अपने दिमाग में रिपीट करने से आपका पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेगा. दूसरी चीज जो जरूरी है वो है ऑप्टिमम एनालिसिस ऑफ गोल्स एंड द रोड मैप. ओवर एनालिसिस नहीं करना है. हमारे मन का कैरेक्टर बड़ा अजीब है, वो निगेटिव ज्यादा सोचता है. आप जितना सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, निगेटिव ज्यादा सोचोगे. आप कभी सोच कर देखना, आपके दिमाग में निगेटिव ख्याल ज्यादा आएंगे. ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा. आप जो भी करना चाहते हो उसकी तैयारी जरूरी है, एक ऑप्टिमम एनालिसिस जरूरी है, परंतु कहते हैं कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. बहुत ज्यादा कंटिंजेंसी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, परंतु प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाओगे तो आप प्लान ए भी नहीं कर पाएंगे. इसीलिए एक ऑप्टिमम एनालिसिस करें, लेकिन टू मच एनालिसिस ना करें, क्योंकि आपको जितनी चीजें नहीं पता होंगी उसका डर आपको सताने लगेगा. इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन. यह डर सबको लगता है, पर डर के आगे ही तो जीत है. तीसरी चीज,
कि स्टार्ट एक्शन। जब आपका एनालिसिस, प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस समाप्त हो जाए तो आप जल्दी से जल्दी उस काम पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। कहावत है कि शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। असल में आपका एक्शन ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। मान लो आप जब रांची से दिल्ली के लिए गाड़ी से चलोगे तो आपको कितना दिखाई पड़ता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पूरा 1200 किलोमीटर तो दिखाई नहीं पड़ता है ना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। तो जब आप चीजों को जमीन पर होते हुए देखोगे तो आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशी दोनों ही बुलंद हो जाएगा। कठिनाइयां आएंगी, परंतु जैसे जैसे आप उन कठिनाइयों को एक एक कर दूर करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मजबूत होता जाएगा। और चौथी चीज कि इफ अदर्स कैन डू इट, आई कैन डू इट एज वेल। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। खासकर यह फॉर्मूला मैं अक्सर बहुत यूज करता हूं कि अगर मैं कोई भी चीज दुनिया में पहली बार नहीं कर रहा हूं और किसी ने इसको पहले किया है तो मेरे लिए यह बहुत कंफर्ट की बात हो जाती है कि ईश्वर ने तो उसे भी बनाया है और मुझे भी बनाया है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब आपको बस यह देखना और समझना है कि इस काम को उसने कैसे किया, उसके क्या लेसन लर्न्ड है, यानी उसके कठिनाइयों या संघर्ष से मैं क्या सीख सकता हूं, फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। उसको रोल मॉडल बनाकर आप सीखते रहिए। जैसे महाभारत की कहानी में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या में अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी बन गया था। यहां कोई आपका अंगूठा तो नहीं काटकर दक्षिणा में मांगेगा ना, परंतु आप अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर लोगे। आप ऐसे लोगों की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल कहानियां, स्टोरीज एंड बुक्स को पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, उनके टिप्स से लाभ उठाएं। लेकिन एक चीज याद रखें कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या दूसरा आपके लिए काम नहीं कर देगा, करना आप ही को पड़ेगा। और पांचवी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड। You should have absolute belief in yourself and also believe in some supernatural power. चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई गुरु हो या फिर वाहेगुरु हो। कहते हैं कि जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता उसे ईश्वर के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद said once कि यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, इन पांच फॉर्मूला को अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चुमेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं। वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स देने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। स्किल यात्रा चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं।
अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर किसी भी सोशल मीडिया चैनल के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।